नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक हफ्ते पहले मैंने CISF की न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप सभी के टोटल 519 पद थे। तो एक हफ्ते हो गए, तो उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सिलेबस के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। चूँकि मैंने जो PDF फाइल दी थी उसमें सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फो दिया गया है, बट फिर भी ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा या फिर देखा भी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ आपको बताएंगे कि कितने घंटे आपको टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए, और साथ में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और किन किन पार्टों से यानी सिलेबस में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी आगे भी। तो अभी चूँकि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ, आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो मैं इसका PDF जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि रिक्वायरमेंट पे था। इसका फॉर्म ऑफलाइन था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने जवाब दिया था कि ऑफलाइन इसको फिलअप करना है और सेंड करना है। तो चलिए वही ऑफलाइन जो फॉर्म था PDF मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसी की ऑफिशियल साइट से, और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये PDF था, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पे आपको देखने को मिल जाएगा CISF 519 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी। तो इसमें आप सभी को बता दें कि एक सिलेबस यानी सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर आप लोग जाएंगे, अगर आपके पास ये PDF है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे जहाँ सिलेक्शन प्रोसेस है आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी 7 पॉइंट पर, फिर भी मैं समझा देता हूँ। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज फर्स्ट पे आप देख सकते हैं चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स फर्स्ट में, उसके बाद यानी कि रिकॉर्ड्स आपका देखा जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेज रिटर्न एग्जामिनेशन, इसी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड रहेगा। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, जिसमें यहाँ पे बताया गया है देयर सेल बी वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बिल विथ मल्टीपल चॉइस 200 मार्क का रहेगा, कंसिस्टिंग 200 मार्क ड्यूरेशन, 3.5 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। द कैंडिडेट विल बी एसेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो आपको बता दें कि अगर आप टाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो 200 नंबर का पेपर रहने वाला है और 3.5 घंटे आपको कंप्लीट टाइम मिलने वाला है। उसके बाद आपको बता दें कि 3.5 घंटे में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है तो करने पड़ेंगे। तो चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात कर लें तो 50 नंबर का आपका इस पार्ट से होने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 200 नंबर का रहेगा, 50 तो इसके हो गए, एंड सेकंड पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, आपका जो प्रोफेशन है जो वर्क रहेगा उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस कितनी है उससे रिलेटेड 50 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। आपको इस बारे में एक बुक प्रिपेयर करूँगा, बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चूँकि मैं बताऊँगा आपको 2 से 3 दिन बाद जल्दी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी न्यूमेरिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ वगैरह के, बहुत सिंपल सिंपल, तो 50 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे। और कंप्रहेंसन एंड कम्युनिकेशन स्किल, अब कितना समझते हैं आप 50 नंबर उसके, कम्युनिकेशन स्किल कितनी है उसके 50% मिल जाएंगे। तो टोटली 200 का पेपर रहने वाला है, 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसमें 50-50 नंबर आपके चारों पार्ट के रहने वाले हैं, 3.5 घंटे टाइम रहेगा। उसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर इंपॉर्टेंट में कुछ लिखा हुआ है आपको कितना, तो आपको टोटल मतलब क्वालिफाई करने के लिए सिक्योर रहने के लिए 200 नंबर में से 45% आपको बनाने हैं, मतलब कि 100% में 45% लगा लीजिए 45 नंबर, 100 नंबर में से 45% 45, ठीक ना। अगर आपको 100 नंबर से बोला जाए कि 45% लाना है तो 45 नंबर सिंपली, ऐसे ही 200 में 45 लगा लीजिएगा, कितना होता है आसपास करीब आपको, मतलब 100 में से अगर आपके 80 प्लस आ गए तो मान लीजिए 80 नहीं 90 मान लीजिए 90 आ गए तो आप मान लीजिए कि सिक्योर हैं, ठीक है, 100 में से 90 आपको कंफर्म लाना, 90 प्लस वगैरह 50% आपको इस पार्ट में रहेगा, 50% इस पार्ट यानी कि लगा लीजिए 50 में से आपको 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिलैक्सेशन 5% का मिलने वाला है आप सभी को। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, और मैंने टाइम के बारे में बता दिया, टोटल मार्क्स के बारे में बता दिया आपके,
और कितने नंबर से किस पार्ट से आएगा वो बता दिया और सब्जेक्ट बता दिया। अब यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में अगर आपको जानना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वाकई में इसकी ज़रूरत है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना सकूँ। यहाँ पर पूरा बताया गया है मेल कैंडिडेट फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि ये प्रॉपरली सब्जेक्ट के लिए सिलेबस के लिए बनाया गया था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।